सो हेलो गाइस, जैसे मैं मानी, तो वेलकम करते हैं आपको आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो आज हम डिस्कस करने हैं, बल्कि हम डिस्कस नहीं, आज हम रिव्यू करने वाले हैं इस स्पिरिचुअल डिवाइस का, कि इसमें हम किस तरह से इसको इसके अंदर में क्या क्या देखने को मिलता है। जैसे कि हम कोई न्यू ब्रॉडबैंड या कनेक्शन बाय करते हैं और हमें डिफिकल्टी ये होता है कि हम खुद कन्फिगर नहीं कर पाते, हमें वेट करना पड़ता है स्पिरिचुअल के बंदे का, तो वो आता नहीं है और हमारा टाइम वेस्ट होता है। तो वो आता नहीं, हमारा टाइम वेस्ट होता है, तो उसको हम किस तरह से कन्फिगर करते हैं। और उससे पहले हम जानते हैं इसके अंदर हम क्या क्या वेरिएंट देखने को मिलते हैं। तो डिस्कस करते हैं इसके अंदर में क्या क्या वेरिएंट देखने को मिलते हैं। तो इसकी बैक साइड आप जैसे आप करेंगे तो देखें, इसका आपको देखने को मिल जाएगा पैकेज इंक्लूड्स। तो इसके अंदर में एक देखने को मिलता है एडिशनल मॉडर्न राउटर, पावर अडाप्टर, एक एथरनेट नेटवर्किंग केबल, टेलीफोन लाइन केबल, एक्सटर्नल सेपरेटर होता है, क्विक इंस्टॉलेशन गाइड होती है और ट्रबल शूटिंग गाइड भी इसके अंदर हमें देखने को मिलती है। तो हमें किस तरह से इसको सेटअप करना है, तो उससे जान पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि स्पेसिफिकेशन क्या है। स्पेसिफिकेशन इसकी 24 Mbps जो है डाउन स्ट्रीम है और A1 MB तकरीबन सबकी होती है, आप स्ट्रीम होती है इसकी पीसीएल की, तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अप टू 300 MB सपोर्ट कर सकता है ये डिवाइस कौन सा है, तो सपोर्ट 3G करता है। इसमें USB का फंक्शन भी है और पीसीएल जैसे नॉर्मल डिवाइस होती है। तो मॉडल इसका है KW58283 और ये Qasda.com की जानब से इन्होंने बनवाई है या जिसे भी इन्होंने स्पॉन्सर कर दिया है, और पीसीएल वीडियो कॉन इसका साथ फीचर है। और इसका एक इंटरेस्टिंग और भी है कि अगर आप 499 में इनका केबल देना चाह रहे हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। अब टीवी चले हर जगह 99 चैनल 100 चैनल आप 99 मतलब भी दे सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह का कंट्रोल था। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दो। सो वेलकम बैक गाइस। तो ये हमारा PDCL का DSL राउटर है, जिसमें आप स्मार्ट पे देखें तो आपको देखने को मिलेंगे हेल्पलाइन और इनकी सर्विसेज, और अगर हम इसके जो गौर से देखें तो इसमें तमाम हेल्पलाइंस का कॉल दिया हुआ है, और दूसरी साइड पर देखें तो हम इसका लोकेशन को दिया हुआ है और इस साइड पे इसकी पिक्चर है और इसका मॉडल नंबर है, और बैक साइड पे देखें तो हमें इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं पैकेज इंक्लूडेड, इसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है और हमें क्या क्या चीज़ इनमें से मिलेंगी, और साथ में इसकी स्पेसिफिकेशन देखें और इसका इधर साइड में बताया हुआ कि किस तरह से जो इसे कनेक्ट कर सकते हैं, और इस तरफ अगेन लोकेशन को और आप देख सकते हैं टोटली इसका इंटरफेस। और अभी हम इसको करते हैं सिंपली ओपन, तो ओपन करते हैं तो देखें उसने लिखा हुआ है ईसा लीग। तो ये बेसिकली एक यूज़र नेम और पासवर्ड इसके ऊपर आपको प्रिंटेड किया हुआ, बल्कि वो लिख देते हैं जैसे ही आपको डिवाइस आता है। तो ये बेसिक गाइड हम ट्रबल शूटिंग पर्पज़ के लिए कि आप खुद बहुत इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि कहाँ पर उसका इशू आपको देखने को मिलता है। तो दूसरा देखें तो इन्होंने हमें दिया हुआ है कि किस तरह से आप अपनी कंप्यूटर के ऊपर इसकी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से आप खुद कर सकते हैं। तो बेसिकली हमें इसकी ज़्यादा कन्फिगरेशन होती कोई नहीं है, आपको मैं एक दफ़ा नेक्स्ट वीडियो में बता देता हूँ किस तरह कन्फिगर करते हैं पिक्सल डिवाइस को। तो देखिए इन्होंने कुछ अपना बम्पर दिया हुआ है, और इसके अंदर हम देखें तो ये हमारी शहजादी डिवाइस और देखने को मिलती है कि फ्रंट लाइट फेस के कुछ लाइट्स हैं और साइड भी दोनों तरफ से साइड क्लीन है। और अगर हम इसके बैक साइड पर देखें तो इसमें चार हमें लैन वायर और एक DSL इंसर्ट के लिए और एक अडाप्टर के लिए और एक स्विच मिलता है ऑन ऑफ के लिए, और ऊपर के देखें तो USB भी लग जाती है, और इसके ऊपर तकरीबन 6-7 लाइट्स हैं जिनमें से एक पावर लाइट है, एक इसकी इंटरनेट लाइट है, वाईफाई है और एक एक्सेस लाइट है। तो इसके बाकी पार्ट्स को देखें तो इसके अंदर हमें देखने को मिल जाता है एक अंदर स्प्लिटर जो कि काम करता है हमारा DSL स्प्लिटर, एक फ़ोन के लिए और दूसरा पिक्सल मॉडेम के लिए, और इसकी एक दो तरफ से दो पोर्ट होती हैं और इसकी एक तरफ से दो पोर्ट होती हैं और एक तरफ से एक होती है, एक इनपुट और दूसरी दो आउटपुट, और एक इसका अडाप्टर मिल जाता है हमें देखने के लिए, और साथ में एक लैन वायर मिल जाती है अपने PC या लैपटॉप कनेक्ट करने के, दूसरी ये हमें मिल जाती है अपनी PDCL जो बैग हमें लाइन मिलती है, और दूसरी हमें स्प्लिटर के साथ स्प्लिट करने के लिए काम आ जाती है। तो दिखा देता हूँ किस तरह से वर्क करेगी, एक लग जाएगी PDCL फ़ोन के लिए, दूसरी लग जाएगी PDCL मॉडेम के लिए, और आप इसका कुछ व्यू देख सकते हैं। तो और बात करते हैं हम अगर इसकी डिवाइस की, तो डिवाइस काफ़ी अच्छी है और रिलायबल स्पीड के लिए 300 Mbps स्पीड ये सपोर्ट करती है, चार्जिंग डिवाइस को भी सपोर्ट करती है। अगर आप इसको तो Qasda.com की जानव से स्पॉन्सर किया गया और मॉडल इसका है, बेसिकली क्या Qasda कंपनी है तो उन्हीं को स्पॉन्सर किया है PDCL ने, और PDCL ने उसको उनको करिया है अपनी डिवाइस को सेल आउट करने के लिए, उनसे डिवाइस बाय किए हैं, उनके ऊपर अपना मोनोग्राम छपवाया है। तो कुछ इस तरह का इसका इंटरफेस हमें देखने को मिल रहा है आज इस डिवाइस में, क्योंकि मैं काफ़ी देर बाद इसकी वीडियोस बना रहा हूँ। तो ये था इसका कुछ प्यारा सा रिव्यू। तो वीडियो पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।